हेलो भाई, मैं वंकित होंडा की SP125 को अब कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि मार्केट में एक नया खिलाड़ी ने एंट्री मार दिया है मात्र 83,000 के एक शोरूम प्राइस में। अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हीरो ने हाल फिलहाल में अपनी ग्लैमर 125 को नहीं लॉन्च करा था पुराने लुक के साथ, वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन हाँ, बहुत लोग कह रहे थे कि अभी बताओ इतना पैसा ले रहे हैं और हैलोजन हेडलाइट दे रहे हैं, एलईडी देना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने इसमें एलईडी हेडलाइट लॉन्च कर दिया। भाई हेडलाइट के अलावा और भी चीज़ें चेंज हुई हैं भाई इस बाइक में, हर चीज़ बताता हूँ इस वीडियो में डिटेल में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप सभी अच्छे जानते हैं हीरो मोटोकॉर्प एक्सटेक मॉडल निकालता है तब जाके एलईडी डालता है भाई, लेकिन इस वाले ग्लैमर का इन्होंने एक्सटेक नहीं निकाला है, नॉर्मल वेरिएंट में ही इन्होंने एलईडी हेडलाइट लॉन्च कर दिया। अभी पहले अपने को ग्लैमर में दो मॉडल मिला करते थे, ड्रम और डिस्क, लेकिन अब आपको चार मॉडल मिलेंगे। ड्रम डिस्क तो मिलेगा ही पहले वाला, लेकिन अब आपको ये एलईडी हेडलाइट वाला ड्रम मिलेगा और एलईडी हेडलाइट वाला डिस्क भी मिलेगा। बाकी रहा बात कलर का, तो पहले तो तीन कलर मिलता था, लेकिन अब इन्होंने ये ब्लैक वाला नया कलर लॉन्च करा है। शायद पुराने वाले में आपको एलईडी हेडलाइट ना मिले, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इस वाले कलर में इन्होंने लॉन्च करा तो ये तो भाई जाहिर सी बात है मिलेगी ही, ड्रम में भी और डिस्क में भी। ये भी कलर अच्छा लग रहा है भाई, अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी हाँ, चेंजेस की बात करें तो इन्होंने हेडलाइट तो दिया ही दिया है भाई नया, जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह दे रखा है और काफी अट्रैक्टिव भी लग रही है देखने में। जैसे ग्लैमर एक्सटेक इनकी अट्रैक्टिव नहीं लगती फ्रंट से देखने में, ठीक उसी प्रकार ये भी अट्रैक्टिव लगने लगी अब। बाकी इसके अलावा इसमें इन्होंने नया स्विचेस डाला है, जैसे अपने को स्प्लेंडर एक्सटेक 2.2 में स्विचेस नहीं मिल रहा था नया वाला, वही सेम स्विच इन्होंने इसमें भी डाल दिया। आप लेफ्ट हैंडल बार वाला देख सकते हो, इसमें आपको बेसिक फीचर्स तो मिलता ही है, जैसे हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न तो मिलता ही है, प्लस में आपको हजार्ड भी मिलता है। मतलब ये मॉडल लोगे एलईडी हेडलाइट वाला तो आपको हजार्ड भी मिलेगा, इसमें चार इंडिकेटर आप जला सकते हो। बाकी राइट हैंडल बार वाला आप देख सकते हो स्विचेज, यहाँ पे I3S तो है ही भाई, साथ ही आपको इसमें अब इंजन किल स्विच भी मिलेगा, जो बहुत लोग कहा करते थे, मैं भी कहा करता था कि I3S को बंद करो, इंजन किल स्विच दो, लेकिन इन्होंने I3S को तो बंद नहीं करा, लेकिन हाँ इंजन किल स्विच लॉन्च कर दिया भाई। आप देख लो इस तरीके का, इसी में इंटीग्रेटेड है इंजन किल स्विच भी और सेल्फ का बटन भी SP125 की तरह। बाकी हाँ, मीटर वगैरह तो आपको नॉर्मल वेरियंट जैसा ही मिलेगा, फुल डिजिटल, इसमें बेसिक फीचर्स तो है लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी और आपको गियर पोजीशन वगैरह देखने को नहीं मिलता, और USB वगैरह तो मिलता ही हरदम से, तो आपको इसमें मिलेगा ही। तो यही मोटा मोटी 6 चेंजेज करके हीरो मोटोकॉर्प ने अपडेट करा है। मैं फिर से बताया था, एलईडी हेडलाइट पहले नंबर डाला है, दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो स्विचेज इन्होंने चेंज करा है, तीसरा अपडेट कह सकते हो हजार्ड बटन लाया है इन्होंने, चौथा अपडेट कह सकते हो इंजन किल स्विच लाया है, पांचवा अपडेट कह सकते हो वो है भाई न्यू कलर इन्होंने निकाला है, और छठा अपडेट प्राइसिंग में करा है। बाकी इसमें पहले जैसा ही आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलेगा, जो आपको 10.39 bhp का पावर और 10.4 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। ये गाड़ी 5 गियर के साथ आती है, इसके अलावा इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 50 से 55 के बीच में माइलेज मिल जाता है, और हाँ रहा बात टॉप स्पीड वगैरह का, तो 95 तक कंपनी क्लेम करती है, 100 तक चली जाती है भाई। बाकी रहा बात प्राइसिंग का, तो नॉर्मल वेरियंट का प्राइसिंग देख सकते हो, इसी में आप 1,500 रुपए और एड कर देना भाई, तब जाके आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा। मेरे को तो ये अपडेट काफी अच्छा लगा भाई, मेरा भी मन था कि निकाले हीरो मोटोकॉर्प इस वाले मॉडल में एलईडी हेडलाइट वगैरह, चलो निकाल दिया इन्होंने। सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि इन्होंने इंजन किल स्विच दे दिया भाई, अब धीरे धीरे अपनी सारी गाड़ियों में इंजन किल स्विच देंगे। बाकी हाँ, ये वाला कलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, आई होप ये लोग और भी कलर में एलईडी हेडलाइट वगैरह दें। अगर इसी कलर में इन्होंने निकाला है तो फिर तो थोड़ा मजा किरकिरा होने वाला है, लेकिन सब कलर में देंगे एलईडी हेडलाइट वगैरह तो मजा आ जाएगा। तो यही था हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से छोटा सा अपडेट, मैंने सोचा अपने भाइयों को सुबह सुबह दे दिया जाए। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।